नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आज हम सिंगरौली जिले के मोरवा LIG चौक पर आए हुए हैं। मोरवा LIG चौक में आप देख रहे हैं यहाँ से रोड चारों तरफ से सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पे जो है सफाई कर्मी और सिंगरौली मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद आप देख सकते हैं खड़ा होकर यहाँ पे सैनिटाइज करा रहे हैं। रोड के दुकानें बंद हुई है, चारों तरफ वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। आइए हम पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी और पार्षद प्रतिनिधि से बात करते हैं, जिसको लेकर इनका क्या कहना होता है। देश में इस आपदा के समय जिस तरह से ये बीमारी पैर पसार रही है जिस उसके रोकथाम के लिए नगर निगम सिंगरौली के द्वारा देर से ही सही लेकिन सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया है उन्होंने, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक गली एक एक मोहल्ले में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ लग के पूरे अपने नगर को सैनिटाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार पिछले 4 दिन से हर वार्ड में हर गली में यह कार्य जारी है। हम सभी का उद्देश्य है कि हमारा मोरवा शहर सिंगरौली ज़िला इस प्रकोप से बचा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, नगर निगम की ओर से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सैनिटाइजिंग का काम हो रहा है, और नगरवासियों को भी लगातार हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के घूमें, व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी बना के चलें, घर में भी अगर आप जब भी घर घुसते हैं तो साबुन से हाथ धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें। इस तरह के कार्यों के लिए हम लोग जागरूकता भी लगातार यहां पर फैला रहे हैं। देखिए, सिंगरौली पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी द्वारा बताया जा रहा है, कोरोना महामारी से बचाव के लिए सिंगरौली ज़िले के मोरवा शहर में लगातार सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। इनके द्वारा कहा गया है कि आप मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें और हाथ को जो है सैनिटाइजर या साबुन से लगातार हाथ धोते रहें ताकि कोरोना जैसे महामारी से बचा जा सके। आइए, हमारे साथ सफाई कर्मी के जो है दरोगा दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दरोगा जी, छोड़ी ये आपके द्वारा यहाँ पे सैनिटाइज कराया जा रहा है, लगातार सैनिटाइज कराया जा रहा है। माननीय आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जो आदेश दिया गया है कि सभी वार्डों में हर जगह पे सैनिटाइज का काम छिड़काव का काम कराया जाए, उसी के आदेशानुसार, श्रीमान जी के आदेशानुसार फायर ब्रिगेड से जहाँ जहाँ फायर ब्रिगेड जा रही है उस जगह पे सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचेगी तो फावी स्प्रे मशीन के द्वारा जो है हम लोग लगातार दवा का काम छिड़काव 1 से 11 वार्डों में करा रहे हैं। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि नगर निगम के आयुक्त के द्वारा जैसा आदेशित किया गया है कि मोरवा शहर के हर गली में सैनिटाइज किया जाए। इनका कहना है कि जहाँ जहाँ ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच रही है वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है, जहाँ ये नहीं जा सकती, जगह कम है, वहाँ पे स्प्रे मशीन के द्वारा जो है सैनिटाइज किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये नगर निगम के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर लगातार ये सैनिटाइज मोरवा शहर करते रहेंगे तो कोरोना जैसे महामारी से निजात मिल सकेगी। एक बार हम आपसे अपील करेंगे कि जो है आप मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें और लगातार आप सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोते रहें। हमारे देखिए यहाँ पे पुलिस कर्मी भी घूमते नजर आ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना होता है। लगातार लॉकडाउन को लेकर अभी 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पुलिस के अधिकारी बराबर यहाँ पर चलते नजर आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना होता है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, उसी के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन कराया जाए, कहीं भी उल्लंघन ना हो और लॉकडाउन पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, उसी के लिए सुबह से पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार 9 बजे से मार्केट खुलेगा, तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं। यदि जहाँ पालन नहीं किया जाएगा वहाँ पर सख्त कार्रवाई की।
आप देख सकते हैं 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस की गाड़ी लगातार यहां पर करते नजर आ रही है कि कोई अनावश्यक व्यक्ति घूमते न पाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। 9 बजे का टाइम है राशन दुकान खुलने का, तो राशन की दुकान या कोई अन्य दुकानें ऐसा तो नहीं जो सुबह से खुल जाती हों, इसके लिए पुलिस की लगातार यहाँ पर गाड़ी जो है दौड़ते नजर आ रही है, ताकि कोरोना जैसे महामारी से निजात मिल सके। आप देख रहे थे अभी नगर निगम का जो है आप फाइव विकेट मशीन भी खड़ी है, वो लगातार यहाँ सेनेटाइज करते नज़र आ रही है। आपसे मेरा अपील है कि आप मास्क लगाएं, सेनेटाइजर से या साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि कोरोना जैसे महामारी से निजात मिल सके। दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहेंगे, अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाह न फैलाएँ, क्योंकि सोशल मीडिया में प्रशासन द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और जो है ट्विटर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए अफवाहों पर अफवाह न फैलाएं और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। आपको बताना चाहेंगे, अभी तक सिंगरौली ज़िले में किसी भी प्रकार का कोरोना से ग्रसित संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है, यानी पूरी तरह से सिंगरौली बचा हुआ है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए थे वो काफ़ी सराहनीय थे। सिंगरौली कलेक्टर KVS चौधरी द्वारा बहुत पहले जो है ज़िले के बॉर्डर को सील कर दिया गया था, जिसके वजह से अन्य राज्य या अन्य डिस्ट्रिक्ट से लोग सिंगरौली में प्रवेश नहीं किए, जिसके वजह से सिंगरौली ज़िला अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित है। कैमरामैन वंशमणि द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, भारत न्यूज़ TV, सिंगरौली। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ TV खबरों की पड़ताल।